नमस्ते, माधविक न्यूज रे में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब वीडियो में आज हम माधविक इंग्लिश वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का चैप्टर आवरण आवे काइट लेखक ल्यूसी मॉड मॉन्टगोमरी का हिंदी अनुवाद देखेंगे और साथ ही ये हिंदी अनुवाद नहीं है, मेरे शब्दों में ये कहानी हमने लिखा है और साथ ही इस पार्ट का जो भी क्वेश्चन आंसर है, चाहे वो ग्रामर हो या राइटिंग स्किल, उस सारा का उत्तर दिया गया है। मित्रों, वैसे आपको चाहिए तो आप ये ब्लॉग में लिखा हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। तो चलिए हम ब्लॉग से खोलते हैं और मैं पढ़ता हूँ फटाफट। आवरण आवे काइट ल्यूसी मॉड मॉन्टगोमरी, यह कहानी मेरे शब्दों में। बिग हाफ मून आइलैंड पर फादर फिलिपा लीट क्लाउड लीट रहते थे। फादर बिग हाफ मून लाइट हाउस के कीपर थे। ये बात बिग हाफ मून है, ये लाइट हाउस। फिलिपा लीट का उम्र 11 ईयर्स ओल्ड था, क्लाउड लीट का उम्र 12 ईयर्स ओल्ड था। विंटर में हार्बर जम जाता था। वे लोग मेनलैंड पर चले जाते थे, फिर स्प्रिंग आने पर वापस आइलैंड पर आ जाते थे। लोग हम दोनों भाई बहन पर पीटीट करते कहते, आइलैंड पर खेलने के लिए हमारे साथ कोई दूसरा बच्चा नहीं होगा। बात ठीक ही था, ये मेनलैंड है। पायरेट कैप्स खेलने में दिक्कत होता था, मेनलैंड पर सबके रिलेशंस होते थे। हमने जब फादर से रिलेशन के बारे में पूछा तो वे सोरोफुल हो गए, फिर हमने कभी नहीं पूछा। मेनलैंड पर हम वहाँ के बच्चों से खूब क्वारल करते थे, उनमें से कोई आइलैंड में नहीं था शायद इसलिए, लेकिन मैं फिलिपा और क्लाउड आपस में कभी नहीं फाइट करते थे। समर में बिग हाफ मून बड़ा लवली होता है। ये बॉय ने मेनलैंड पर क्लाउड को काइट बनाना सिखाया था। आइलैंड पर हमने ये प्लेंटी ऑफ काइट्स बनाए। क्लाउड आइलैंड के दूसरे तरफ चला जाता था और हम लोग ऐसे पतंग उड़ाते थे मानो हम शिप रैकेट मैरिनर्स अर्थात टूटे जहाज के नाविक एक दूसरे को पतंग के द्वारा खबर भेज रहे हों। हमारे पास एक बिग लवली रेड पेपर की काइट थी, उस पर हमने गोल्ड टिनसेल स्टार पेस्ट किया था। उस पर हमने अपने पूरा नाम पता क्लाउड लीट एंड फिलिपा लीट बिग हाफ मून लाइट हाउस लिखा था। एक दिन काइट फ्लाइंग के लिए एक ग्रैंड विंड चल रही थी, जल्दी में पतंग लाते समय फिलिपा गिरी और फिलिपा से एल्बो पतंग में एक बड़ा होल कर दिया। द सिटिंग रूम में द बुक केस पर एन ओल्ड लेटर पड़ा हुआ था, जल्दी में फिलिपा ने उसे चिपका कर फायर से सुखा दिया। पतंग लाइक के बर्ड ऊंचा उड़ा, लेकिन तेज हवा के कारण यह स्नेप होकर दूर मेनलैंड की ओर चला गया। ये दूर मेनलैंड की ओर पतंग जा रहा है, चला गया। ए मंथ लेटर फादर के पास एक लेटर आया। फादर ने हमें अपने रिलेशंस के बारे में बताया। उनका एक ब्रदर और एक सिस्टर थी। एक दिन भाई से क्वारल करके घर छोड़ दिया, फिर कई वर्ष बाद फेल्ड सॉरी होने पर वापस लौटे, पर भाई मर गया था और बहन का पता नहीं चला। खत उसी ने भेजा था, उनकी बहन का नाम एस्थर था। अब वह ए वीडो हो गई थी जो हंड्रेड्स ऑफ माइल आइलैंड में रहती थी। उनके दो बच्चे थे, बेटा डीक और बेटी मीमी उनका नाम था। एक दिन दोनों भाई बहन द वुड्स में थे, तभी उन्होंने एक काइट ऑन द टॉप ऑफ ए ट्री देखा, उतार का घर लाए। ये ट्री को उतारता हुआ आंट अस्तर्स फादर्स नेम क्लाउड लीट एंड मदर्स नेम फिलिपा लीट था। वह चिपके लेटर को देखकर पेल पड़ गई। यह वही खत था जिसे उसने अपने भाई को लिखा था।
वह हमें पहचान गई और फादर को खत लिखा बिग हाफ मून के पते पर। नेक्स्ट डे फादर जाकर सबको ले आए। अब वे हमारे साथ हैं। आंट एस्थर सभी को प्रिय हैं और डिक और मिमी के खुशियों को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मित्रों, इसी के साथ हमने अपने शब्दों में ये लिखा ताकि आप इसे पढ़कर साइंस से समझ जाए। अवरन आवे काइट लिवस इन मॉड मॉन्टगोमरी। अच्छा होगा, थोड़ा चैप्टर तो पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ लीजिएगा मित्रों इंग्लिश में। कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द कीपर ऑफ द बिग हाफ मून लाइट हाउस इज फादर। द फैमिली मूव्ड ओवर टू द मेनलैंड इन स्प्रिंग। When asked about relation, father looked sorrowful. In summer, the big half moon is always lovely. Back on the island, Cloud and the narrator made plenty of kites. The kite was pasted with a letter. A letter came for father after a month. Father left home after quarreling with his brother. Dick and Mimi discovered the kite on the top of a tree. Fill in the chart with the information from the text. Name of the island, Big Half Moon. Age of Claude, 12 years. The game played by Claude and the narrator, Pirate Caps. Fill in the chart with the information from the text. Statement and reason. The statement, the narrator's elbow went through the kite. Reason, the narrator has tripped and fallen over the rocks. Statement, Cloud and the narrator hurried to fix the kite. Reason, they wanted to send it off before the wind. Statement, the kite soared. Reason, the wind was glorious. Fill in the chart with information from the text. Person who sent the letter, Auntie Esther. Name of Auntie Esther's mother, Philippa. Total number of family members in the narrator's family at present, 6. State whether these following statements are true or false. Provide sentences, phrases, words in support of your answer. People, 1 number. People felt that Cloud and the narrator were lonesome. True. Supporting statement. They said we must be so lonesome over there. Cloud and the narrator quarreled. False. Supporting statement, Cloud and I never quarreled. Nobody on the mainland had relations. False. Supporting statement, everybody on the mainland had relations. Complete the following sentences with information from the text. A boy on the mainland taught Cloud how to make kites. On the kites, Cloud and the narrator pasted gold tinsel stars. Cloud was standing with a bit of cord in his hand, looking foolish. Answer the following questions. What did father find when he went back home years afterward? Father found his brother and had died and sister missing. Where did Aunt Esther live? Auntie Esther lived under a miles inland. Why did Auntie Esther turn pale? Auntie Esther turned pale, seeing the letter stuck on the kite. It was the same letter she had once written to her brother, and the names Cloud and Philippa were the names of her parents. Change the following sentences into questions directed. Shankar lives in Alipur. Information question using where. Where does Shankar live? They have gone to a picnic. Interrogative sentences using where. Where have they gone? I went to school yesterday. Simple questions using did. Did not I go to school yesterday? Tia studies in class 10. Information question using which. Which class does Tia study in? Now, 9 number. Suppose your bicycle has a certain puncture on your way to school. You have taken the cycle to a repair shop. Write an imaginary dialogue. Write big capital hoga, W. Within 100 words between the shopkeeper and you. Answer. I. Hello. Will you please listen to me? Shopkeeper. Yes. How can I help you? I.
द फ्रंट टायर इज पंचर ऑन द वे आई एम इन ट्रबल विल यू प्लीज रिपेयर इट सबक्रिया दैट्स माई वर्क लेट मी सी द टायर आई थैंक यू हाउ मच विल इट कॉस्ट सबकीपर इट विल कॉस्ट यू ओनली 10 rupees आई फाइन आई एम वेटिंग यू मे स्टार्ट योर रिपेयर वर्क shopkeeper I shall try to mend it right now so that you can attend your school in time I thank you next question number 10 write a story within 100 words using the given hints give a title to the story crow sitting on a tree piece of meat in its beak fox passing under the tree wants the meat Asks the crow to sing. Crow keeps meat under its feet and sings full for fox lips. Answer. The clever crow and the fox. One day, a crow found a piece of meat. It sat on the branch of a tree. The piece of meat was in its beak. At that time, a fox was passing under the tree. The fox noticed the piece of meat in its crow's beak. The fox was really greedy. He wanted to get the piece. So the sly fox requested the crow to sing a song. The fox expected that as the crow would start singing, the piece of meat would fall from its beak. But the crow had enough wit. It understood the fox's cunning. So, keeping the meat under its feet, the crow started to sing. The crow was able to fool the fox successfully. Disheartened, the fox departed. इस तरह पूरा हुआ धन्यवाद